ये महिला अपनी गोद में अपने दिव्यांग पति को लेकर कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ी चली जा रही है। ये पहली बार नहीं है कि जब इस महिला को अपने पति को इस तरह से ढोते हुए न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। गोद में मौजूद युवक का नाम अंशुल गौड़ है, जो पिछले 4-5 वर्षों से इसी तरह अपनी पत्नी की गोद में हर मंगलवार की जनसुनवाई को पहुंचता है और अपने लिए न्याय की गुहार लगाता है। दरअसल अंशुल गौड़ की मां सरकारी शिक्षक थी, 2015 में उनकी मौत हो गई। अंशुल को आज तक मां की अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। प्रशासन के पास कई बार शिकायतें की पर इसकी नियुक्ति नहीं हो सकी। प्रशासन ने इस मामले की जांच कराई, पता लगा कि अंशुल गौड़ के खाते में अनुकंपा नियुक्ति के एवज में दी जाने वाली राशि भेज दी गई थी, जिसके कारण अब उसका अनुकंपा नियुक्ति पर कोई क्लेम नहीं बनता। उधर अंशुल गौड़ कहते हैं कि ना तो उन्होंने राशि कभी ली है और ना भी राशि लेना चाहते हैं, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति चाहिए क्योंकि वे दिव्यांग हैं। मामला ये है कि हम काफ़ी समय से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। मेरी माँ अध्यापक संवर्ग में थी, शिक्षा विभाग में अध्यापक थी, और आज तक हमको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। हमारी माँ ख़त्म हो गई थी 2015 में, और हम कई बार कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुके हैं, शिक्षा मंत्री जी को दे चुके, और मतलब हर जगह हमारी पत्नी हमको गोद में लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के यहाँ जा चुकी है, और आज तक हमको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। और मैं विकलांग हूँ, मैं 70% विकलांग हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाने से मैं पूर्णतः विकलांग हो गया, अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है और ना कोई शासन प्रशासन से कोई मदद मिलती है। जी आज मैडम ने आश्वासन दिया है कि मैं इसकी पूर्णतः जाँच कराती हूँ, जैसा भी होगा, और कोशिश करूंगी अगर जांच में सही पाया गया। मैंने मैडम को दिखाया भी है कि मैंने कोई राशि नहीं मांगी है, मैं राशि लेने के लिए सहमत नहीं हूं, पहले भी सहमत नहीं था, आज भी वो राशि वापस कर रहा हूं। लेकिन वो जो डीओ साहब है वो बोलते हैं कि ये मुझे वही रोड नोट चाहिए, वही राशि चाहिए। सर ऐसा तो नहीं होता, मैं तो राशि वापस कर रहा हूं ना, मैंने राशि नहीं मांगी, मेरे पास सारे दस्तावेज हैं कि मैं राशि लेने के लिए सहमत नहीं हूं, मेरे पास पूरे कागज़ हैं, और सामाजिक न्याय विभाग से काफ़ी मुझको जो है मदद। मैं ये चाहता हूं कि मुझे जो है मेरी माँ की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिले, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। मंगलवार को भी अंशुल गौड़ अपनी पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां आईएएस अधिकारी और जिला पंचायत के सीईओ तपस्या सिंह परिहार से उनकी भेंट हुई। एक बार फिर आवेदन ज्ञापन की रस्म अदायगी हुई। तपस्या परिहार ने कहा कि वे दोबारा इस मामले की जांच कराएंगी। हाँ, आज मेरे संज्ञान में ये जनसुनवाई में ये आए हैं और ये जो डिटेल्स बता रहे हैं, तो उसकी जांच हम कराएंगे, है ना, और जांच में जो भी निकल के आता है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम एक और है, नौगांव में जेसीबी से रोजगार गारंटी का काम करवाया जा रहा है, ये हाँ इसकी खबर निकाली थी, तो मैंने जांच दल भी बनाया है। जांच दल अभी वर्तमान में वहाँ पर जाँच कर भी रहा है, आप लोग वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा।